गुड इवनिंग बच्चों, जो यूपी बोर्ड अलाउ की है, जो क्लास टेंथ के हैं क्लास टेंथ को प्रमोट कर दिया जा रहा है, और जो क्लास सेकंड ईयर के हैं उनकी पेपर कराया जाएगा। जो पेपर 3 घंटे का हुआ करता था, वो 3 घंटे नहीं 1.5 घंटे के होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं, ठीक है। तो 1.5 घंटे में आप बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे, पेपर बहुत इजीली रहेंगे। लेकिन पेपर इजीली रहेंगे जिसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे। पढ़ाई छोड़ने का सेंस क्या है कि आप लापरवाही पढ़ाई करेंगे ना। यदि आप अपना एक टारगेट रखे हैं, ठीक है, आपको जो है कंपटीशन वीट करना है, ठीक है, नीट क्वालिफाई करना है, आपको ITJEE के लिए जो है उसको क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको बोर्ड को देखते हुए ना, आप कंपटीशन को देखते हुए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, ठीक है। और भी किसी प्रकार की समस्या हो रहा है तो आप अपने HOD से, जो आपके हेड डिपार्टमेंट हैं जिस जिस सब्जेक्ट के, उससे संपर्क करें और अपने डाउट को क्लियर करें। पेपर आपका कन्फर्म है कि जुलाई में होना है, जुलाई के 2-3 सप्ताह में होना जरूर हो जाएगा, ठीक है। टाइम टेबल आ जाएगा जल्दी है, जैसे टाइम टेबल इश्यू होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, और भी अन्य जगहों से आप प्राप्त कर सकते हैं सूचनाएं। लेकिन मान के चलिए आपको पढ़ाई करना है, कंपलसरी करना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से करना है। अपना एक टारगेट देख चलिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको सिविल सेवा में जाना है तो सिविल सेवा के लिए किस तरह से आपकी तैयारियाँ होनी चाहिए, बैंकिंग रेलवे के लिए इसके लिए किस तरह की तैयारी होना चाहिए, ठीक है। जो जिस ब्रांच में जाना चाहता है उसके अच्छे तरीके से उसके अकॉर्डिंग जो है तैयारियाँ करें, तभी आपका कल्याण होगा, ठीक है। अन्यथा प्राइवेट की जो है कोई वैल्यूएशन नहीं है। आप 24 आवर में जो है आपका 20 आवर किस तरह से स्पेंड करना है आप सीखिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, अपने एक टाइम टेबल बनाइए कि इतने टाइम में ये करना, ठीक है। आलस को एकदम 9-11 कर दीजिए। आलस यदि आप पे हावी हो जाएगा तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और आपकी लाइफ जो है आपके टारगेट से विचलित हो जाएगा। सो बेटर कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने काम को अच्छे अंजाम दें। धन्यवाद।